हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। देखो, ई मार्केट प्लेस बिल्कुल सेम ही है जैसा अपना अमेज़ॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, स्नैपडील होता है। तो गवर्नमेंट के लिए ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट की यूनिट्स के लिए है। मैं बात करूँगा कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने हाल ही में एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे कहते हैं GEM संवाद, ताकि सेलर्स को अट्रैक्ट किया जाए इस पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो अभी तक तो आप ये समझिए कि इस पे गवर्नमेंट के बायर्स होते हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बायर्स होते हैं, और सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए GEM संवाद नाम का नेशनल आउटरीच प्रोग्राम भी अभी चलाया गया था। गवर्नमेंट पूरी कोशिशों में है कि वो देश के जगह जाके देश में लोकल सेलर से बातचीत करके लोकल सेलर्स को इस मार्केट प्लेस पे लाके सारी जो ज़रूरतें बायर्स की वो पूरी कर सकें। एक और इनिशिएटिव है इसका, वॉइस ऑफ कस्टमर। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें जो यूजर्स होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे सिस्टम में सुधार लाया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप पोर्टल है जिसमें वो सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिशें की जाती हैं जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और PSU को कोई भी गुड्स और सर्विसेज चाहिए। कॉमन यूज़ कुर्सी हो गया, अपना टेबल हो गया, अपनी जो फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल तक। एक आप खुद चेक करना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका मैं लिंक दे दूंगा, बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह होती हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि इसको आम यूजर नहीं यूज कर सकता, इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और PSUs अपने सामानों के लिए से यूज कर सकते हैं। सामान तो वही रहेंगे, गुड्स तो वही नॉर्मल जो कॉमन यूज की रहती है वही रहती है। इसे क्यों लाया गया? ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, स्पीड के लिए। डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और PSUs को जगह जगह भटकना ना पड़े, जो चीज़ चाहिए इनको फटाफट मिल जाए। इसमें ई बिडिंग भी है, यानी कि ऑक्शन का भी है, और रिवर्स ई ऑक्शन भी है, डिमांड एग्रीगेशन भी है। अच्छा, रिवर्स ई ऑक्शन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। देखो, रिवर्स ई ऑक्शन क्या होता है आप बताए? ऑक्शन नॉर्मली ऑक्शन मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है, एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, तो अपनी अपनी बोली लगाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करता है उसको वो चीज़ बेच दी जाती है। रिवर्स ऑक्शन में इसका उल्टा होता है, जिसमें सेलर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं और बायर एक ही होता है, तो वैसे ही इधर होगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, वो जो सेलर्स हैं मैनी, वो अपने प्रोडक्ट्स की दाम लगाएंगे, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी डिपार्टमेंट के लगा कि ये प्रोडक्ट सही दाम में ये बेच रहा है तो वो प्रोडक्ट वो ले लेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स ई ऑक्शन। तो ये काफ़ी जो है काफ़ी सही चीज़ है। और प्लस बात करते हैं, द प्लेटफॉर्म कैन बी असेस्ड एट https://gem.gov.in पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं बायर्स के लिए? पहली बात तो इट ऑफर्स रिच लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए जो गुड्स और सर्विसेज है, जैसे कि पेन, टेबल, चेयर भी इस पे है। इट यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, माफ़ कीजिएगा, लाइन अरेंजमेंट में गलती है। और जो सर्च, कंपेयर और सेलेक्ट और जो बाय फैसिलिटी भी इसमें प्रदान की गई है कि कंपेयर भी किया जा सकता है, उसको सर्च भी किया सकता है। गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन आराम से आप बाय कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा इसमें यहाँ से कितना कौन सी चीज़ खरीदने में लगा रहा है। जैसे मान लो डिपार्टमेंट ऐसे लिख के नहीं दे सकते कि कुर्सी में लग गए 10,000 रुपये फर्नीचर लेने में। अब तक लिख के दे देते थे 10,000 रुपये लग गए, 10,000 रुपये का खर्चा आ गया, जबकि इतनी थी नहीं, इतने की कुर्सी आई नहीं थी, इतने का फर्नीचर आया नहीं था। तो इसमें हिसाब से पता चल जाएगा इतने की जो है एक्सपेंडिचर हुआ है और इतनी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल के आई। तो टेक्नोलॉजी हमेशा से ही एक समाधान रहा है करप्शन के लिए, करप्शन इससे काफ़ी कम हो जाता है। और काफ़ी सिस्टम जो है वो इसमें जो वेंडर रेटिंग सिस्टम वो कंटिन्यूस है और अप टू डेट है। यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड है, बिल्कुल जो सप्लाईज और पेमेंट्स अच्छे तरीके से मॉनिटर होते हैं। प्रोविज़न भी है ईजी रिटर्न पॉलिसी का प्रोविज़न भी है। चाहिए तो बात कर ली हमने बायर्स के लिए क्या एडवांटेज है। अब कोई भी सेलर इस पे क्यों बेचना चाहेगा? क्योंकि डायरेक्टली वो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेच सकता है,
और अपने प्रोडक्ट्स को कौन नहीं बेचना चाहेगा, और रिवर्स ऑक्शन करके अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो बेच सकता है, और प्राइसेस भी जो है चेंज की जा सकती है मार्केट कंडीशन के अनुसार। जो सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड है उसको लगता है अगर इसकी कीमत बढ़ा देनी चाहिए तो बढ़ा सकता है, और यूनिफॉर्म परचेज प्रोसीजर है इसके, मतलब परचेज जो होती है वो बिल्कुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होती है, तो कोई फ्रॉड की समस्या तो है नहीं, कोई इंडिविजुअल जो है चीज़ें खरीद के और कंपनी को जो सेलर्स उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस ट्रांसपेरेंट रिलायबल प्रोसीजर है ये। अच्छा, कौन कौन बाय कर सकता है? देखो, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार में जितनी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं उनके अटैच्ड और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं, सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और लोकल बॉडीज तक यहाँ से सामान ले सकती है GEM पोर्टल से। ये पेपरलेस कैशलेस सिस्टम है जो ई मार्केट प्लेस को एक सिस्टम स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसमें सारे कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज आपको मिलेंगे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस के। अच्छा, इसको बनाया किसने? UPSC के लिए जरूरी है आपका जानना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स ने टेक्निकल सपोर्ट लिया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन्होंने मिलकर GEM पोर्टल बनाने की कोशिश की और बनाया, उसका डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों हैं इसमें। इस पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो ये कई चीज़ें हैं, एक तो इसको डेवलप किया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, ठीक है, इस किसके साथ मिलकर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, इसको लॉन्च किया गया था कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा। तो गाइज, ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।